शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको श्री महाभारत ग्रंथ के श्री हरिवंश पर्व के द्वात्रिंशो अध्याय का श्लोक संख्या 9 और 10 और 11, 12 यहां तक सुनाएंगे, जहां पर यह वर्णन है कि पांडवों के वंशजों को और तोमरों को भारत क्यों कहा जाता है, भारत किसका नाम है और इनका नाम भारत क्यों है, और इनकी जहाँ जहाँ भूमि रही वह भूमि भारत भूमि कही जाती है, क्यों कही जाती है, इसका स्पष्टीकरण श्री महाभारत के हरिवंश पर्व में द्वात्रिंशो अध्याय श्लोक संख्या 9, 10, 11 का इनमें दी है। मैं पांडव अर्जुन का वंशज महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर महाभारत सम्राट तिल्लीपत की 23वीं पीढ़ी, इन श्लोकों का यहाँ उच्चारण कर रहा हूँ जो कि ग्रंथ में हमारे सनातन धर्म के सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ में श्री महाभारत में मौजूद है, उपलब्ध है। तो क्यों तोमर राजवंश भारत कहा जाता है, पुकारा जाता है? भारत किसी देश का नाम नहीं है, भारत किसी जगह का नाम नहीं है, बल्कि भारत एक वंश का नाम है, एक राजवंश का नाम है। और इसकी जहां जहां भूमि है, जहां जहां इसकी सत्ता है, वह स्थान भारत का गया। और जब भारत का विस्तार करके इसको महाभारत में बदल दिया गया, संपूर्ण विश्व के साम्राज्य में बदल दिया गया, तब यह महाभारत कहलाया। तो भारत किसी भूमि का नहीं है, नाम नहीं, भारत माता नहीं है, भारत बाप का नाम है, भारत वंश का नाम है, एक राजवंश का नाम। हम श्री महाभारत के उन श्लोकों का उच्चारण करते हैं जो श्री व्यास जी ने, वेदव्यास जी ने स्वयं उच्चारण किए, स्वयं बोले हैं और स्वयं बताया है। मैंने हरिवंश पर्व का आपको अध्याय क्रमांक श्लोक संख्याएं बता दी, आप स्वयं उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दुष्यन्तस्य तु दायादु भरतो नाम वीर्यवान, स सर्वदमनो नाम नागायुत बलो महान। दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था, वे बड़े पराक्रमी थे, सबका दमन करने के कारण उनका दूसरा नाम सर्वदमन भी था। महान वीर भरत में 10,000 हाथियों का बल था। चक्रवर्ती सुतो यज्ञ दुष्यंतस्य महात्मनः, शकुंतलायां भरतो यस्य नामना इस्तभारता। महात्मा दुष्यंत के वीर और शकुंतला के गर्भ से चक्रवर्ती भरत
पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम पर तुम लोग हे जनमेजय, हे पराक्रमी पांडव पुत्र, पांडव वंशी चंद्रवंशी महाराज, इस विश्व के अधिपति जनमेजय, तुम लोग भारत कहलाते हो, भारत कहे पुकारे जाते हो। इस श्लोक का मैं पुनः उच्चारण कर रहा हूं। चक्रवर्ती सुतो जज्ञे दुष्यंतस्य महात्मनः शकुंतलायां भरतो यस्य नामना इस्त भारताः। महात्मा दुष्यंत के वीर और शकुंतला के गर्भ से चक्रवर्ती भरत पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम पर हे जनमेजय, हे पांडव वंशी, तुम और तुम्हारा वंश, तुम लोग भारत कहलाते हो, भारत कहे और पुकारे जाते हो। दुष्यंतम प्रत राजानाम वाग वाचा शरीरं माता वस्त्रा पितु पुत्रो येन जातस एव सह। हरस्व पुत्रं दुष्यंत मावमंस्ता शकुंतलां रेतोधा पुत्र उन्नयति नर देवै यमक्ष्यात त्वं चासि दाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतला। दुष्यंत ने दुष्यंत की नगरी यहाँ पर मुरैना जिला में गढ़ के नाम से एक गांव है, तो उस गढ़ गांव में या गढ़ा गांव कहते हैं उसी, या गढ़ी भी बोलते हैं, वहाँ पर बहुत विशाल परकोटा कोट किले का महाराजा दुष्यंत का यहाँ पर अन्वेषण में पाया गया। खजाना भी कुछ लोगों को मिला, बहुत सी वहाँ पर मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं और रजत मुद्राएं लोगों को मिली हैं। उसके बाद में उसकी खुदाई की गई तो वहाँ बहुत लंबे चौड़े परकोटे मिले। वो दुष्यंत की नगरी वहाँ पर जो है या चंबल घाटी में वो पाई गई, गढ़ा गाँव, गुड़ा गाँव है सही नाम उसका, गुड़ा गाँव। तो दुष्यंत ने तपोवन में जाकर शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया था और अपनी राजधानी को लौटकर उसके विषय में किसी को कुछ बताया नहीं था। जब शकुंतला भरत को लेकर दुष्यंत के यहाँ गई, भरत का जब जन्म हो गया तो अपने पुत्र को साथ में लेकर महाराजा दुष्यंत के यहाँ पर पहुंची, तब वे उसे पहचानने में भूल करने लगे। तब उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने राजा दुष्यंत को सचेत और संबोधित करके कहा, दुष्यंत, माता तो केवल चमड़े की धौंकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। तुम इस पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। हे नरदेव, हे नरेंद्र, अपने ही वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से निकालकर स्वर्गलोक को ले जाता है। अपने ही वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से निकालकर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यहाँ जो भी कहा है सब कुछ सही सही कहा है, बिल्कुल ठीक ठीक ही बात कही है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। ये
श्लोक है श्री महाभारत में, यहाँ पे पांडवों को या महाराजा भरत के जो वंशज हैं दुष्यंत के, शकुंतला के पुत्र भरत हुए, भरत में 10,000 हाथियों का बल था बचपन से ही, वो तो वन में ही सिंहों के साथ खेलते थे, शेरों के साथ में खेलते थे, तो वो तो फिर महाराजा भरत का जो वंश चला आगे, यही पांडव वंश है, यही तोमर हैं, इसलिए इन्हीं को भारत कहा जाता है, जैसा वेदव्यास जी ने श्लोक में यहाँ स्पष्ट कर दिया है। तो जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं गलत बोलते हैं, सरासर गलत बोलते हैं, उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है, ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। भारत बाप है, भारत वंश है, राजवंश है, पूरा एक कुल है, भारत माता नहीं है। उसकी जो भूमि है भूमि को माता कहा जाता है। तो भारत भूमि को माता कहके आप जय बोलें, वही सत्य है, वही शुद्ध उच्चारण है और वही प्रकृति है। आप नर को नारी बना देते हैं और नारी को नर बना देते हैं। ये नेता चाहे वो धर्म के ठेकेदार हों, चाहे राजनीति के ठेकेदार हों, ये सब कलयुग के दुष्ट असुर, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो असुरों के रूप में पैदा होते थे, वो अब नेताओं के रूप में और इन धर्म के ठेकेदारों के रूप में पैदा होते हैं, जिन्हें न धर्मों का ज्ञान है, न शास्त्रों का, न वेदों का। ये दिन में डाके डालते हैं, रात में कत्ल कराते हैं और सन्यासी कहे जाते हैं। तुलसीदास जी ने तो इनके बारे में स्पष्ट कहा है, उत्तरकांड में देखिए, जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, नार मुई ग्रह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। भारत भारत है, भारत स्वयं एक राजा है, सम्राट है, संपूर्ण इस भूधरा का स्वामी है और उसकी जो धरा है, उसकी जो भूमि है, वसुंधरा है, वह भारत भूमि है, भारत की धरा है, भारत की वसुंधरा है। आप भारत की माता की जय बोलिए, हमारी माता की जय बोलिए, भारत की माता की जय बोलिए, भारत की भूमि वो हमारी माँ है, आप भारत भूमि की माता की जय बोलिए। वंदे मातरम का अर्थ क्या है? जन्म भूमि की वंदना है। जननी जन्म भूमिश्च जानवी च जनार्दन जनक पंचमश्च जकार च दुर्लभा। आप अपने बाप को अपनी माँ बना के जय बोल देते हैं, आपत्ति जनक है, यह असुरता है और ना बर्दाश्त, एक नाकाबिल अक्षम्य हरकत है। तो भारत बाप है तुम्हारा, ये भारत का देश है, ये भारत की भूमि है, भारत की धरा है, वसुंधरा है, भारत का साम्राज्य बहुत बड़ा है। जो भी वस्तु है इस प्रकृति में, जो भी केवल धारा भूमि नहीं, या जो कुछ भी है, उस सब का स्वामी भारत है, भारत। और भारत आपके पिताजी का नाम है, आपकी माताजी का नहीं, इसलिए भारत पिताजी की जय बोलें, भारत माता जी की नहीं। और जाओ पाकिस्तान से जाकर के कहो पाकिस्तान माता की जय बोल के दिखाए,
नेपाल माता की जय बोल के दिखाए, अमेरिका माता की जय बोल के दिखाए। अरे हिजड़ो नपुंसको, ब्रह्मलाओ, तुमने यहाँ के पुरुषों को, मर्दों को तो नारी बना दिया, और यहाँ की नारियों को नर बनाए फिरते हो। तुम खुद किस वंश के हो? तुम्हारे खुद के वंशावलियां क्या हैं? पहले अपनी वंशावलियों को प्रकट करो, अपने वंशों के पते बताइए, आप अपनी वंशावलियों को बताइए, उसके बाद में किसी और के बारे में बात करिए। भारत शब्द का आप इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं। भारत को आप माता नहीं कह सकते, भारत माता नहीं है, और न भारत कभी माता बनेगी। भारत तुम्हारा बाप है, भारत तुम्हारा पिता है, और ये भारत की भूमि है, भारत इसका स्वामी है, और भारत सिर्फ पांडव वंश है, एक ही राजवंश है जिसको भारत का है। श्लोक मैंने सुना दिया, ग्रंथ आप देख लीजिए, सारी दुनिया में उपलब्ध है, श्लोक आप देख लीजिए। लिहाजा ध्यान रहे, ख्याल रहे, शाब्दिक त्रुटि और वाक्यांश की त्रुटि प्रकृति में त्रुटि पैदा कर देती है। क्यों नर को नारियां बनाए फिरते हो और नारियों को नर पता ही नहीं चलता कौन पुरुष है कौन नारी है? यहां पर छोरों के बाल बड़े हुए हैं, साले नारियों के भेष में फिरते हैं, और छोरियां परकटी बनकर के बाल कटा करके पुरुषों के भेष बना कर इस देश का क्या हाल बना दिया। संस्कृत की बात करने वाले, संस्कृति की बात करने वाले, संस्कारों की बात करने वाले, वे खुद आज हिजड़े छक्के बने फिर रहे, वे खुद संस्कृति का विनाश कर रहे हैं। उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति से लेकर के उन्होंने संस्कृति का सर्वनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो जो पार्टियां, राजनीतिक दल या धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, भगवा पहन लिया, भगवा का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? भगवा का अर्थ होता है वन में जाइए, हिमालय पे जाइए, आप सांसारिक जीव नहीं रहते, फिर आपको संसार में रहने का हक नहीं रहता, संसार की किसी भोग को प्राप्त करने का हक नहीं रहता, आपका स्थान है हिमालय, आपका स्थान है वन। सारी संसार की सांसारिक वस्तुओं से दूर आप एक असंसारी व्यक्ति हो जाते हैं, वैराग धारण कर लेते। वैराग का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? जिसमें कोई राग ना हो, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की भोग की कामना ना है। और आप क्या करते हैं, आप क्या हैं? इसीलिए तुलसीदास ने उत्तर कांड में लिखा है आप सभी धर्म के ठेकेदारों के लिए, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तातन जात कही। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक तातन जात कही। जो भिखमंगे होने चाहिए थे ये तपस्वी लोग, ये साधु लोग, सन्यासी लोग, और ग्रस्त धनवान होने चाहिए थे, कलयुग में उसका उल्टा उल्टा होगा। ये लिखा है तुलसीदास ने, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक तातन जात कही। ओ कल बार ही बार दुकाल पर बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, ससुरार प्यारी लगी जब सो रिप रूप कुटुंबी भय तब सो। तुम लोगों ने सर्वनाश कर दिया। अरे ये अगर भगवा धारण किया है तो इस भगवा की इज्जत रखो, ग्रंथों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, और जाओ वन में जाओ, तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं है, न राजनीति में स्थान है, न इस संसार में स्थान है, न कोई आश्रम तुम्हारा यहां कहीं होना चाहिए, इस भारत देश के अंदर में नहीं होना चाहिए। तुम्हारा स्थान हिमालय है, हिमालय पर्वत पर जाओ या किसी वन में जाकर गुम हो जाओ। जिसने भी भगवा धारण किया, भगवा की रीति है, नीति है, और भगवा किसका प्रतीक है ये ग्रंथों और शास्त्रों में देखो। यहां का वीर बाना, राजपूत बाना, क्षत्रिय बाना केसरिया है, केसरिया का प्रतीक है। केसरिया को खत्म कर दिया तुमने, ये क्या भगवा भगवा लगा रखा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है अपनी पुस्तक में प्राच्य और पाश्चात्य में कि भारत देश का सर्वनाश उस दिन होने वाला था
भारत देश का सर्वनाश उस वक्त हो रहा था जब सब लोग बुद्ध के पीछे चल पड़े थे, सब लोग सन्यासी बनने लगे थे, सब लोग वैरागी बनकर के उसके पीछे चल पड़े थे। उस समय भारत के विनाश का वक्त था, तब भारत विनाश के दौर में था, लेकिन तब भी भारत बच गया। तो अब भारत का कोई माई का लाल कहीं भी कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये मेरे नहीं, स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं, और प्राच्य और पाश्चात्य नामक पुस्तक में उन्होंने लिखे हैं। आगे लिखा है, श्री कृष्ण के वंशजों ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी, ईसा के वंशजों ने ईसा की बात नहीं मानी। ईसा ने कहा था कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा गाल घुमा दो, लोगों की सेवा करो, सेवक बनो, सेवा ही धर्म है, सेवा ही परम धर्म है। श्री कृष्ण ने कहा था कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो खींच के मुक्का घूंसा उसके मुंह पर मारो, मुंह तोड़ दो उसका, मुंह तोड़ उत्तर दो, दुनिया का भोग करो, पुरुषार्थ करो और दुनिया पर राज करो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने प्राच्य और पाश्चात्य में ही लिखा है, श्री कृष्ण के वंशजों ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी, ईसा के वंशजों ने ईसा की बात नहीं मानी, ईसा के वंशजों ने श्री कृष्ण की बात मानी और श्री कृष्ण के वंशजों ने ईसा की बात मानी। श्री कृष्ण के वंशज एक थप्पड़ खा करके दूसरा गाल उसकी तरफ घुमा देते हैं कि एक और मार ले, और ईसा के वंशज थप्पड़ का जवाब घूंसे से देते हैं, मुंह तोड़ देते हैं। परिणाम भी उल्टा हुआ, आज ईसा के वंशज सारे विश्व पर राज कर रहे हैं और श्री कृष्ण के वंशज उनके दास बन करके उनकी गुलामी कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।